तब आंखों में धुंधला दिखता है। धुंधला कब से दिखने लगा? 2001 से दिखता है। फिर क्या करा आपने? 2006 में बोला आपका मोतियाबिंद पक गया, हम ऑपरेशन करेंगे। उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। उन्होंने आपका ऑपरेशन करा आपका, उसके बाद आपको उस आंख से कुछ दिखा क्या? नहीं दिखा। नहीं दिखा। नहीं दिखा। नहीं दिखा, बिल्कुल नहीं दिखा। उन्होंने दूसरी आंख में मोतियाबिंद आ गया, इसलिए आपको नहीं दिखा। कहना इस आंख से क्यों नहीं दिख रहा, इसका ऑपरेशन कर रहे, आपने नहीं पूछा? तो उन्होंने बोला कि आपके पर्दे कमजोर है, आपको इतना ही दिखेगा। अच्छा, फिर तो फिर उन्होंने बोला कि दूसरी आंख का ऑपरेशन हो जाएगा जब आपको को दिखेगा। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि आप अच्छा वाला लेंस डालेंगे। 2007 में ऑपरेशन कराया। आपको एक आध अच्छा पढ़ने में आया था क्या दूसरी आंख से भी? नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। बड़े कांच में बैठा पढ़वाया था तो बोला कि नहीं, कि बोले आपके पर्दे ही कमजोर है, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप टॉनिक ले, बस यही है आपका इलाज। टॉर्च कहाँ से आ रही है? अभी आपने इधर का रख, मुझे टॉर्च दिखे नहीं, दिखा है टॉर्च नहीं दिख रही मुझे, लाइट नहीं दिख रही, टॉर्च भी नहीं दिख रही। आप अभी सामने से आ रही है? सामने, नीचे, ऊपर है, किधर है? अब ये ऊपर से आ रही है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, इसमें आंखों के पर्दे व नसों में खराबी आ जाती है। रात्रि में कम दिखाई देने से इस रोग की शुरुआत होती है और जीवन अंधकारमय हो जाता है। पिगमेंटोसा, इस इलाज प्रभावी रूप से करने के डॉक्टर ऋषभ जैन ने पीड़ा उठाया। एक पूरा हाथ दिख रहा तुमने बस, तो उंगली की तो चार है, तीन है, क्या है? चार। थोड़ा पी चलो, मतलब एक मीटर मिला के कह लो, उस आंख से 2 फीट दिख रहा है, इस आंख से उसमें 1.5 फीट दिखता है, और इस आंख से अपने को इसमें बहुत मुश्किल है, इसमें 1.5 मीटर करीब आ गया है। हाँ भाभी जी बताइए, आपको आप उंगली गिनना शुरू कर दिए हैं, इस आंख से आपको आज थोड़ा ठीक लग रहा है पहले से? आज आपको खुशी हो रही है क्या? हाँ उससे तो कह रहा हूँ, आपको खुशी हो रही है कि नहीं? आपको कुछ दिखने लग गया इतनी दूर से? तो हाँ चलिए बताइए। से अनेक रोगी हैं जो देश, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हो सकता है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में उन्हें